या फिटनेस। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी भी तरीके की नी पेन की शिकायत है। अगर आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है या फिर आपको किसी नी इंजरी होने के कारण नी में पेन रहती है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में नी पेन होता है या फिर लंबे समय तक चलने या खड़े रहने से भी नी पेन होता है तो मैं आपको आज 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिन्हें 1 या 2 महीने से करने तक आपका नी पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गाइस, अगर आप नी पेन के लिए कोई पेन किलर या कोई दवाई लेते हैं तो वो आपकी नी पेन को तो ठीक कर देती है पर जो अंदर आपके नी में तकलीफ है उसे ठीक नहीं करती। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज मैं आपके लिए 5 एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ जो आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं और ये आपकी नी पेन को हमेशा के लिए ठीक कर देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, पहली एक्सरसाइज के लिए आपको एक टेनिस बॉल की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे अपने अफेक्टेड नी के नीचे रखना है और आपको अपनी नी से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। आप एक लेग के ऊपर दूसरी लेग भी रख सकते हैं ताकि आप आराम से प्रेशर अप्लाई कर सकें। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी अफेक्टेड नी वाली लेग को स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। इसे लेग एक्सटेंशन कहते हैं। ये आपके नी पेन को रिलीज करता है और नी के आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको ये एक्सरसाइज को धीरे करना है। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके का नॉन स्ट्रेचेबल कपड़ा चाहिए जिसे आप यूं अपने पैरों के नीचे लेके जाएंगे और अपनी लेग को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से आपके लेग के बैक एरिया में स्ट्रेच होता है और आपके नीज का प्रेशर रिलीज होता है। आपको इसे 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अगली एक्सरसाइज है नी स्ट्रेच। आपको सीधा लेट जाना है और नी के बिल्कुल नीचे से अपने लेग को पकड़ना है। आपको नी के ऊपर से नहीं पकड़ना और इसे अपने चेस्ट तक लेके जाना है। इस तरह से आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा आपके लेग में और आपके नी में। इसे आपको 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है और वही कपड़े से आपको अपने लेग को धीरे धीरे अपने हिप्स के पास में पुल करना है। आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी, आपको बहुत ही जेंटली स्ट्रेच करना है। इसे भी आपको 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। भी कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।